नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर विधानसभा 190 लंबुआ व्यापार सभा के मंडल अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर बोले जमकर हमला। बोला, हम व्यापारी हैं, हम लोगों के साथ बीजेपी सरकार ने उत्पीड़न किया है और यहाँ के विधायक ने हम लोगों के साथ कुछ नहीं किया, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और संतोष पांडे को लंबुआ से विजयी बनाकर लखनऊ भेजने का काम करेंगे। सर, जैसे आप जनता के बीच में निकले, आप व्यापारियों का क्या रुझान है? व्यापारियों का अभी रुझान, जैसे तो व्यापारी केवल बीजेपी का माना जाता है, लेकिन 5 साल उनका उत्पीड़न हुआ है, पिछले बीजेपी सरकार में केवल उनका उत्पीड़न हुआ है। मैं खुद व्यापारी हूँ, मनोज कुमार वैश्य श्रीरामपुर चौराहा व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हूँ और हर जगह, चाहे लंबुआ में ले लीजिए चाहे जहाँ भी, केवल व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है। राजेश ट्रेडर्स नाम का लंबुआ में व्यापारी है, जिसका सीताराम वर्मा के रिश्तेदार संजय डकाही पैसा लिए और जमीन पर उनको कब्जा भी नहीं दिए उस व्यापारी को, ऐसा उत्पीड़न हुआ है। 5 साल कहीं सुना नहीं गया है। पूरे तहसील में केवल मैं एक व्यापारी कोटेदार था जिसका कोटा निरस्त कर दिया गया, केवल मैं संतोष पांडे के साथ था। इसलिए 90% व्यापारी केवल भाजपा ही होते हैं, जो भाजपा को ही वोट देते हैं। उसके बाद भी पूरी 5 साल केवल भाजपा में मेरा उत्पीड़न किया गया। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मतलब जो हमारे सरकार में व्यापारी बहुत सुरक्षित हैं, और भी सरकारें थी, इतना सुरक्षित नहीं थे। कहाँ सुरक्षित है, मैं बता रहा हूँ। कई कल्लू अग्रहरी लंबुआ का है कथा कथित भाजपा नेता कहे जाते हैं, केवल वो माला नहीं पहनाया, उसको 4 थप्पड़ मारे बीच मार्केट में। कहाँ, किस व्यापारी को सुरक्षा मिली? एक व्यापारी बता दें, मैं तो कई व्यापारियों को बता दूँ। मैं अपने साथ गाँव सभा का चौधरी भी हूँ, अपने समाज का मैं बताऊँ, ये लोग बेचारे देते हैं वो, लेकिन माना नहीं जाता। केवल इनका कहा जाता है कि व्यापारी भाजपा ही होते हैं, लेकिन जब एक भी फूटता है उसका इतना उत्पीड़न किया जाता है जिसका कुछ भी नहीं। विपक्ष का आरोप है जिस तरीके से वसूली हर चीज और भी सरकारों में रही, भारतीय जनता पार्टी में वसूली व्यापारियों से नहीं रही। ऐसा कुछ भी नहीं, 2012 से 17 तक कार्यकाल संतोष पांडे जी का था, लगभग इनको 50% से ऊपर व्यापारी वोट भी दिए थे। एक भी व्यापारी बता दे किसी व्यापारी के साथ उत्पीड़न हुआ हो, मैं पूरी कार्यकाल उनके साथ था। एक भी व्यापारी कह नहीं सकता उनके साथ वसूली हुआ हो या कोई रंगदारी किया हो, कोई नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ, भाजपा सरकार में हुआ है, भाजपा सरकार में देवमणि विधायक के चचेरे भाई, क्या नाम है उनका, चिंतामणि नहीं, क्या कहते हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।